कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी नूं लै के कांग्रेस पार्टी वल्लों कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। 2015 के NDPS केस दे विच कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी नूं लै के पंजाब विच गरमाई सियासत दरमियान राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने DGP गौरव यादव नूं पत्र लिख के खैरा की गिरफ्तारी बारे जानकारी मंगी है। जिक्र हो गया कि पंजाब पुलिस वल्लों सुखपाल खैरा नूं कुछ दिन पहला चंडीगढ़ स्थित उन्होंने घर तो गिरफ्तार किए जाने तों बाद सरकार ने नशा तस्करी नाल उन्हां दे संबंधां दी जांच दे नाल SIT दा गठन कीता सी। खैरा दी गिरफ्तारी खिलाफ पंजाब कांग्रेस दे सीनियर आगुआं दे वफद ने राजपाल नूं मिल के खैरा दी गिरफ्तारी नूं सियासी बदलाखोरी करार दिंदिआं राजपाल नूं मामले दे विच दखल देण दी बेनती कीती सी। कांग्रेस दी तरफों राजपाल नूं दस्सिआ गिआ कि खैरा नूं पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित उन्हां दे रिहायश तों गलत तरीके दे नाल गिरफ्तार कीता है अते सुप्रीम कोर्ट ने भी खैरा नूं पुराने मामले दे विच राहत दे दित्ती है जिस विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया से। इस संबंधी राजपाल ने हुण पंजाब दे DGP नूं पत्र लिख के SIT वल्लों हुण तक कीती गई कार्रवाई की स्टेट रिपोर्ट समेत मामले की पूरी जानकारी देने लिए कहा है। खैरा नूं चंडीगढ़ तो गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस की टीम जलालाबाद लै गई सी। उत्थे अदालत विच पेश करके खैरा का 2 दिन का रिमांड भी लिया गया सी। सनिचरवार नूं रिमांड की म्याद खत्म होने तो बाद अदालत ने खैरा नूं 14 दिन लिए न्यायिक हिरासत में श्री मुक्तसर साहब जेल भेज दिता है। श्री मुक्तसर साहब की जेल के करीब 1.5 घंटा रहने तो बाद जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारण करके उस नूं नाभा जेल के तब्दील कर दिया गया है। तो हुण सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब दे DGP गौरव यादव तो गिरफ्तारी बारे जानकारी जिहड़ी उह मंगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट दिशा प्रिंट न्यूज़ दे नाल धन्नवाद। कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी नूं लैके कांग्रेस पार्टी वल्लों कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। 2015 के NDPS केस दे विच कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब विच गरमाई सियासत दरमियान राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने DGP गौरव यादव नूं पत्र लिख के खैरा की गिरफ्तारी बारे जानकारी मंगी है। जिक्र हो गया कि पंजाब पुलिस वल्लों सुखपाल खैरा नूं कुछ दिन पहला चंडीगढ़ स्थित उन्होंने घर तो गिरफ्तार किए जाने तों बाद सरकार ने नशा तस्करी नाल उन्हां दे संबंधां दी जांच दे नाल SIT दा गठन कीता सी। खैरा दी गिरफ्तारी खिलाफ पंजाब कांग्रेस दे सीनियर आगुआं दे वफद ने राजपाल नूं मिल के खैरा दी गिरफ्तारी नूं सियासी बदलाखोरी करार दिंदिआं राजपाल नूं मामले दे विच दखल देण दी बेनती कीती सी। कांग्रेस दी तरफों राजपाल नूं दस्सिआ गिआ कि खैरा नूं पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित उन्हां दे रिहायश तों गलत तरीके दे नाल गिरफ्तार कीता है अते सुप्रीम कोर्ट ने भी खैरा नूं पुराने मामले दे विच राहत दे दित्ती है जिस विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया से। इस संबंधी राजपाल ने हुण पंजाब दे DGP नूं पत्र लिख के SIT वल्लों हुण तक कीती गई कार्रवाई की स्टेट रिपोर्ट समेत मामले की पूरी जानकारी देने लिए कहा है। खैरा नूं चंडीगढ़ तो गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस की टीम जलालाबाद लै गई सी। उत्थे अदालत विच पेश करके खैरा का 2 दिन का रिमांड भी लिया गया सी। सनिचरवार नूं रिमांड की म्याद खत्म होने तो बाद अदालत ने खैरा नूं 14 दिन लिए न्यायिक हिरासत में श्री मुक्तसर साहब जेल भेज दिता है। श्री मुक्तसर साहब की जेल के करीब 1.5 घंटा रहने तो बाद जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारण करके उस नूं नाभा जेल के तब्दील कर दिया गया है। तो हुण सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब दे DGP गौरव यादव तो गिरफ्तारी बारे जानकारी जिहड़ी उह मंगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट दिशा प्रिंट न्यूज़ दे नाल धन्नवाद।